सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है समुद्री भोजन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका ट्रेवल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सीधे आपको कहीं भी उतरना है, वहाँ पे बटन होगा, वो बटन दबा दें, वो गाड़ी रुक जाएगी। उनको सिर्फ आपको देना है 10 पद। अगर आपने रुकवा दिया या पूछ लिया कि कहाँ जाना है या क्या करना है, तो आपकी डीलिंग होगी। फिर वो आपसे 100 भात 150 भात ऐसे मांगेंगे। चलिए मैं आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें बैठा, ये देखिए, जैसे मैं इसमें बैठ गया तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपको उतरना है, बटन है, इस बटन को आप दबा दीजिए, वहाँ पे रुक जाएगा। बस आपको देना है 10 भात। 10 भात में आप पूरा पटाया घूमते रहिए, अंदर से ऐसे घुमाते रहेंगे। तो जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं घूम के भी देखेगा, आगे से यहीं वहीं पे उतर जाऊँगा। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं घूम के भी देखेगा, आगे से यहीं वहीं पे उतर जाऊँगा। नौकलिया सी फूड मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे सी फूड मिलते हैं, मतलब समुद्री भोजन। मैं समुद्री भोजन आपको दिखा देता हूँ। ये नौकलिया सी फूड मार्केट एरिया का पार्किंग एरिया है, आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आपके। और आगे चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये यहाँ के जो राजा हैं थाईलैंड के, उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, प्रतिमा लगी, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। क्या क्या बिकता है दिखाते हैं आपको यहाँ। समुद्री भोजन ये देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अंदर पहुंचे थे, यहाँ पे देखिए ये लोग क्या क्या खा रहे हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे आप अंदर घुसेंगे बहुत सारे लोग इस प्रकार ऐसे ज़मीन पे बैठ के अपना समुद्री भोजन, जो भी कीड़ा मकोड़ा केकड़ा पेकड़ा जो भी है वो अपना खा रहे हैं। ये पूरा पार्क टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे लोग अपना कीड़ा मकोड़ा जो भी है वो सब पूरा खा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, और बढ़ता हूँ और मेरे इस साइड की ओर देखेंगे, इधर काफ़ी अच्छा समुंदर का व्यू है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए तो पटाया भी इससे आपको तेन भट्ट में, वही जो टुक टुक है, टैक्सी है, शेयरिंग टैक्सी, उसमें आप बैठ जाएं। आप बैठ के रात को, अभी दिन में तो धूप है, रात को यहाँ पे पूरा बैठ के लोग अपना कीड़े मकोड़े या यहाँ पे समुद्री भोजन खाते हैं। और ये देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ना, ये बोट हाउस है, देखिए जैसे अपना डल लेक श्रीनगर में है ना।
में बैठ भी सकता हूँ। ये देखिए अभी बैठ गया, इधर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब पूरा समुंदर ही सबसे लग रहा है जैसे कि मतलब पूरा समुंदर के बीच में हम बैठे हैं। और यहाँ से इधर का व्यू दिखाता हूँ कितना अच्छा है। यह है नज़ारा यहाँ पे, अगर पटाया में यहाँ पाए तो पटाया बीच से सीधे 10 भत में आप उस शेयरिंग वाली टैक्सी पकड़े और इस समुद्री भोजन आप देख सकते हैं आके। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है समुद्री भोजन। ये आप देख सकते हैं ये है समुद्री भोजन, ये समुद्री केकड़ा है और मुझे तो उठाने में भी डर लग रहा है और लोग कैसे खाते हैं इसको, तो बहुत खतरनाक है ये। और हाँ ये जिंदा है। चलो भैया बहुत कुछ दिखा दिया आपको, ठीक है अब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है चलो। आए हाय हाय हरियाली देखो हरियाली, ओए होए जैसे ही आप अपने पटाया बीच से नौकलिया सी फूड मार्केट के लिए आएंगे सीधे 10 रुपए की टैक्सी में आप आएंगे, जो इस प्रकार का स्टॉप आएगा यहाँ पे पीपल का पेड़ आएगा, आपको वहीं पर उतर जाना। तो दोस्तों अभी मैं नौकलिया सी फूड मार्केट पटाया से अपने पटाया बीच के लिए इस रिटर्निंग 10 रुपये वाली शेयरिंग टैक्सी में बैठ चुका हूँ, ठीक है। आप किसी में भी बैठ जाएं आपको वहीं पहुँचाएगा, आते वक्त उधर से आप किसी भी टैक्सी में बैठ जाएं आपको यहीं पहुँचाएगी, और इधर से जाते वक्त आप उल्टे हाथ से पटाया बीच जाने वाली किसी भी टैक्सी में बैठ जाएं, ठीक है आपको 10 भात में वहीं पहुँचाएगी, ठीक है इस प्रकार है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, समझ गए ना, मतलब पटाया बीच से आप किसी भी टैक्सी में बैठ जाएं वो आपको यहीं लाएगी, ये जो टैक्सी जो मैंने बताया 10 रुपये वाली, ठीक है। और जब आप यहाँ पे सी फूड मार्केट देख लें उसके बाद आप रिटर्निंग जिधर से आएँ उधर जाने वाली इस टैक्सी में बैठ जाएँ, वो आपको पटाया बीच उतारेगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे। आज मैं निकल रहा हूँ एक नए देश की ओर, इस बैंकॉक पटाया की सीरीज आपकी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी थाईलैंड की सीरीज बहुत बाकी है, अभी सिर्फ पटाया बैंकॉक ही कवर हुआ है, अभी और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे करापी फुकेत और सूरत थानी, बहुत सारे डेस्टिनेशन है, तो उन डेस्टिनेशनों पर भी आपको मैं उधर के जल्दी दिखाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, 10-15 दिन की हॉलीडे निकाल के आते हैं भोकाली करने, तो और भी आगे दिखाऊँगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल दूसरी कंट्री को चलते हैं, एक नई कंट्री को, तो रात को 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं यहाँ से 3 घंटे पहले ही निकल जाऊँगा यहाँ से। तो अभी मैं थोड़ा बैंकॉक में काम है क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क जो है ना वो थोड़ी करप्ट हो गई थी, मतलब एक हार्ड डिस्क में डाटा बहुत सारा है दोस्तों यार, बहुत था बैंकॉक वगैरह की शूटिंग का है, तो यार उसको मुझे रिकवर कराना है, तो बैंकॉक में मुझे शायद 1-2 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी खाना खा के यहाँ से बैंकॉक निकल जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस प्योर वेजिटेरियन डोसा एंड रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले उन्होंने दिया मुझे पानी पीने का, चलिए मैं आपको मेनू दिखा देता हूँ। मैंने ऑर्डर किया है नॉर्थ इंडियन वेज थाली जिसमें मुझे आएगा
जीरा राइस, दो रोटी, दो सब्जी, दाल फ्राई, पापड़, दही और स्वीट रसगुल्ला वगैरह का जो स्वीट डिश आएगा। हमने पटाया बीच के इस डोसा हंट रेस्टोरेंट में अपना लंच कर लिया है और लंच में मैंने खाई थी नॉर्थ इंडियन थाली जो कि मुझे 200 भात की पड़ी। 14 भात का उन्होंने टैक्स लगाया है, 7% वेट लगाया है, टोटल हुआ है मेरा 214 भात का। थाली बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों अगर पटाया बीच के हैं तो सेकेंड रोड पर रॉयल गार्डन के सामने ये रेस्टोरेंट है द डोसा हंट, यहाँ आइए और एक बार खाना खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ खाना आपको कैसा लगा। सो दोस्तों जैसे कि अब मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से अब 5:30 बज चुके हैं और 10:30 की मेरी फ़्लाइट है। तो अब यहाँ से मैं निकलूँगा बैंकॉक डॉन मुंग एयरपोर्ट के लिए। उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ, ये टैक्सी है लाल वाले, इनको बुक करता हूँ और बोलता हूँ मुझे सीधे अब वहाँ छोड़ दो पटाया बस स्टॉप। सो दोस्तों जैसा कि मैं बैंकॉक जाने के लिए इस पटाया के बस स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ, अब मुझे टिकट लेने के खिड़की नंबर 2 पे जाना है और वहाँ से मुझे टिकट लेना है मोचित के लिए। तो चलिए चलते हैं मोचित के लिए टिकट लेने, चलिए तलो तलो तलो। एक अजीब बैड फीलिंग हो रही है, मतलब अजीब होता है ना जैसे छोड़ने से पहले, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा यार, दिल लग गया तुम्हारे भाई को उस लड़की से। चलिए दोस्तों काउंटर नंबर 2 पे चलते हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मोची का काउंटर नंबर 2, यहाँ से हम टिकट लेंगे। सो दोस्तों 128 भात में मुझे यहाँ से टिकट मिल गई मोचित के लिए पटाया से, थैंक यू। मोचित के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, करने को बोला जा रहा है, कोई नहीं अंकल फ्लाइट छूट गई तो फिर मज़े लेंगे। वैसे भी यार मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है यार, लेकिन क्या करें उसकी अदाएँ। तो दोस्तों जैसे 6:30 यहाँ से चलेगी बस, कितने बजे पहुँचाएगी इसका मुझे आइडिया तो नहीं लगा है, चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना इंडिया जैसा ये है, ठीक है चलते हैं हमारे इलाके का कच कच। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बस की मोचित के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ बस में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, मेरी सीट नंबर है 33, तो मैं 33 से बैठ चुका हूँ यहाँ। और यहाँ के बसों में इस बस में अनाउंस बोला गया है कि सीट बेल्ट बांध लेना, तो फ्लाइट के तरह इसमें भी सीट बेल्ट बांधने को बोला जा रहा है, अजीब बात है ना। सो दोस्तों जहां पे आपको ये बस उतारेगी वहां से आपको पकड़ना है आपको बस नंबर A1, ठीक है A1 आपको 20 भात में आपको वहां पहुंचा देगी, कहां डॉन मुंग एयरपोर्ट। तो दोस्तों 9:26 हो रहे हैं और 10:40 की मेरी फ़्लाइट है, तो मतलब 1 घंटे 10-15 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और ये एयरपोर्ट एरिया है आप देख लीजिए, और यहां से मैं अभी इस गेट में एंट्री करूंगा। एंट्री करने के लिए अपना मैं मेरा जो टिकट है वो टिकट दिखा दूंगा और अपना पासपोर्ट और फिर सीधे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है।
तो चलिए एंट्री कर लेते हैं, तब तक एयरपोर्ट कुछ दिखा दूँ आपको। चलो मैं 5:45 पे, ठीक है 5:45 पे अपने हैप्पी हॉस्टल से निकला। 6 बजे करीब पटाया बस स्टॉप पहुंचा, 6:30 बजे की मेरी बस थी, 6:30 बजे बस में बैठा और बस ने मुझे 8:30 बजे अप्रॉक्स 8:30 बजे उतार दिया इस मोचित बस स्टॉप पे। वहाँ से मैंने टैक्सी लिया, वो मुझे 20 से 25 मिनट में 9:25 पे उसने मेरे को उतार दिया यहाँ इस एयरपोर्ट पे, डॉन मुंग एयरपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो अब अपना मैं रिटर्न टिकट निकाल लेता हूँ, उसकी फ़ोटो कॉपी या मोबाइल में दिखा दूँगा, और मेरे पास तो प्रिंट आउट कॉपी है, तो मैं क्योंकि मोबाइल का कभी स्विच ऑफ हो जाए कुछ भी हो जाए तो मोबाइल में रिस्क नहीं लेता, क्योंकि विदेश। ये थाईलैंड के बैंकॉक के डॉन मुंग एयरपोर्ट डिपार्चर एरिया है। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपने ये स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन में अपना फ्लाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। मैं 3 भाषाओं में दिखा रहा है, एक यहाँ की लोकल थाई लैंग्वेज में, एक चाइना में और एक इंग्लिश।